Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है जिक्री और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel जिसका नाम है The Z Vines. आ गया तू जवान हो के. तो इंट्रो के बाद मिलते हैं. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था. तो सबसे पहली बात तो ये थी, जब से कोरोना और ये लॉकडाउन की सिचुएशन हुई थी तो उसके बाद मैंने शायद 2 या 3 वीडियोस ही बनाई हैं, क्योंकि घर में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है. और दूसरी बात ये थी कि जो मेरा ट्राईपॉड था, जिसकी शायद मैंने अपने क्या कहते हैं चैनल पर अनबॉक्सिंग भी की हुई है, वो मेरा ट्राईपॉड बिल्कुल बेकार और टूट फूट गया था. क्योंकि मैंने आई थिंक 1.5 साल पहले उसको ख़रीदा था और मैंने हाल रोड जाके 700-800 का ख़रीदा था वो, और वो बिल्कुल मतलब कि टूट गया था. और मेरे पास उसके अलावा कोई स्टैंड नहीं था जिस पर मैं मोबाइल अटैच करके वीडियो बनाऊँ, तो ये भी एक वजह थी. तो मैंने आज की वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो टाइप है. आज मैंने दराज से 2 पार्सल ऑर्डर करे थे, 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी. एक तो मेरा न्यू ट्राईपॉड जिस पे अभी मैंने अनबॉक्सिंग उसकी कर ली है और जिस पे ये बन रही है वीडियो, उसका ये है रैपर और बिल्कुल मैंने फाड़ दिया था और अंदर ट्राईपॉड निकला था और उसका डब्बा भी आई थिंक है मेरे पास एक. तो ये था ट्राईपॉड का डब्बा. तो आप ये वाला ट्राईपॉड को ऐसे ही देख लें क्योंकि ये मैंने इस पे अटैच करा मैं मोबाइल. तो काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मैं आपको शायद आगे जाके वीडियो में दिखाऊं भी. पहले भी मेरे पास ये वाला ट्राईपॉड था तो वो बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा और इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा थोड़ी अच्छी लगी. और दूसरा पार्सल है ये, दूसरी चीज़ है ये. इसको भी मैंने थोड़ा सा खोल के देख लिया लेकिन अभी पूरी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, तो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है. तो गाइज अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं. तो अनबॉक्सिंग तो नहीं, अनपैकिंग, और एक तरह की अनपैकिंग भी नहीं क्योंकि ये पहला मिस्ट्री बॉक्स है और ये मैंने खोल चुका हूँ मैं. और इसके पहले देख लेते हैं इसके अंदर से हमें क्या क्या मिला था, हम खोलने की एक्टिंग कर लेते हैं. तो गाइस ये मैंने खोल लिया है. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. और 50 रुपए कट ओवर और इसके अंदर से हमें मिला है ट्राईपॉड. और ये आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल है इसका, और सारे आप इसके फीचर्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं. और काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है. अभी इस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अंदर से बिल्कुल खाली है. तो पहले पैकेट में से हमें बस ये ट्राईपॉड ही देखने के लिए मिलता है क्योंकि हमने यही ऑर्डर किया था. तो इसको साइड में कर देते हैं और आ जाते हैं दूसरे पैकेट की तरफ. तो ये भी एक ट्राईपॉड ही है क्योंकि ये जो स्टैंड ट्राईपॉड स्टैंड होता है ये सिर्फ घर में वीडियोज़ बनाने के लिए और मतलब कि एक स्टेबल जगह पर रखने के लिए होता है, लेकिन जो व्लॉगिंग के लिए दूसरा ट्राईपॉड यूज़ होता है उसको कहते हैं गोरिल्ला ट्राईपॉड, आप जानते ही होंगे. तो ये भी थोड़ा सा मैंने खोल लिया था क्योंकि मैं देख रहा था कि ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाई थी या नहीं. तो अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं. तो ये ट्राईपॉड इसमें से निकला है. तो मैंने बस इसका पैकेट ही ओपन करा था, इसका जो पैकिंग है पूरी वो ओपन नहीं करी थी. तो अब वो ओपन कर ले. तो इसके अंदर से ये ट्राईपॉड देखने के लिए मिलता है और इसके साथ ये, इसके अंदर आई थिंक इसके पैकेट के अंदर और भी कुछ है, वो भी देख लेते हैं क्या निकला. तो ऐसा ट्राईपॉड आपके देखने के लिए मिलता है और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्राईपॉड है. अगर आप देखें तो, अगर आपको वीडियो में नज़र आया, पता नहीं वीडियो में सही नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. और इनके स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी जाके बाय कर सकते हैं वहाँ से. और इसके पैकेट में देख लेते हैं और कुछ तो नहीं है. और इस ट्राईपॉड के साथ हमें एक अदद मिला है मोबाइल होल्डर, जो आप इसके इस तरह इसके ऊपर फिट कर सकते हैं और अपनी वीडियो यूँ शूट कर सकते हैं. अब मैं इस ट्राईपॉड पर मोबाइल लगाता हूँ और आपको दूसरा पहले वाला ट्राईपॉड दिखाता हूँ. तो गाइस पहले वाले मिस्ट्री पैकेट में से ये वाला ट्राईपॉड निकला था और ये बिल्कुल सेम मेरे पिछले वाले ट्राईपॉड की तरह है,
ये, लेकिन मेरे पिछले वाले ट्राईपॉड में ये जो चीज़ है ये सिल्वर ही थी और इसमें ब्लैक है, तो ये मुझे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि पहले वाले से ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो पहले वाले से ज़्यादा अच्छी लगी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अभी मैंने कैमरा सेट करा हुआ है गोरिल्ला ट्राईपॉड पे और दूसरा ट्राईपॉड ये रहा, तो ये भी बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, दोनों ट्राईपॉड बहुत अच्छे आए हैं। तो मैंने ये शॉपिंग दराज से फर्स्ट टाइम करी थी और उम्मीद है मैं करता रहूँगा और जब भी करूँगा आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम करी थी दराज से शॉपिंग और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उम्मीद है कि मैं अगली दफ़ा भी शॉपिंग करूँगा दराज से। तो पहले मैं बहुत डरता था कि पता नहीं कैसी चीज़ें आएंगी दराज से, और जब शुरू में दराज के सेलर्स ने काफ़ी फ्रॉड करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे चीज़ें आई हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे बकरा ईद व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तक हमारी कोई बकरा या कोई गाय शायद अभी तक नहीं आई और उम्मीद है कि आज आ जाएँ, तो शायद ये भी हो सकता है कि एक दिन में मैं दो वीडियो शूट करूं। तो अभी एक ये एडिट करके मैं पोस्ट कर दूंगा अनबॉक्सिंग वीडियो, और अभी शायद अभी हम थोड़ी देर तक मंडी भी जाएं, या अगर नहीं भी जाएंगे तो जब बकरे या कोई भी बैड़े आएंगे तो उसकी वीडियो भी मैं बना के पोस्ट करूँगा। और सॉरी अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, क्योंकि लाहौर में भी काफ़ी गर्मी है इस वक्त और ये टेढ़ा हो गया है फ्रेम। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए और मुझे पसीने भी बहुत आ रहे हैं, अब मैं जाऊंगा और मुंह हाथ धोऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।